आज की रेसिपी बहुत यमी स्वीट डिश है और ओनली 10 मिनट में बन जाती है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हाफ कप पानी में मैंने 3 टेबलस्पून कस्टर्ड मिक्स कर लिया है। इसके बाद एक देगची ले लें, उसमें 2 कप दूध को शामिल कर दें और जो कस्टर्ड हमने मिक्स किया था वो धीरे धीरे दूध में ऐड करें और मुसलसल चम्मच चलाती रहें ताकि लम्स ना बने। फ्लेम को स्लो रखें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद यहाँ मैंने 1/3 कप शुगर ऐड कर दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। मुसलसल चलाते हुए इसको कुक करें। अब इस पॉइंट पर हमने कस्टर्ड में 1/4 कप पिसा हुआ कोकोनट ऐड कर दिया है। अच्छी तरह मिक्स करके फ्लेम से हटा दें। कोकोनट ऐड करने के बाद कुक ना करें। जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो बाउल में शिफ्ट कर दें और फ्रिज में रख दें ताकि चिल हो जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने 1 कप स्ट्रॉबेरी ले ली है, वॉश करके चॉप कर ली है। एक फ्राई पैन में स्ट्रॉबेरी डाल दें और फ्लेम को लो रखें। स्ट्रॉबेरी में 1/2 कप चीनी शामिल कर दी है। अब इसे लो फ्लेम पर कुक करती रहें। आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉबेरी ने पानी रिलीज़ कर दिया है। इसे मुसलसल कुक करती रहें। धीरे धीरे स्ट्रॉबेरी सॉफ्ट हो जाएगी, पानी खुश्क हो जाएगा और साथ साथ इसे मैश भी करती रहें। अब ये रेडी है, थोड़ा ठंडा होने दें। इसे कस्टर्ड के ऊपर इवनली पोर कर दें और ख़ूब ठंडा करके इंजॉय करें और फैमिली को भी इंजॉय कराएं। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।